हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी रोटी। ना तंदूर ना अवन, अपने किचन में ही आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं नरम मुलायम तंदूरी रोटी। हमें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इस आटे में मिलाएंगे 1 टीस्पून कुकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी। अब आटे को अच्छी तरह से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथें। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आटे को फिर से मिलाएंगे, जिससे रोटियां बहुत ही मुलायम बनेंगी। रोटी बनाने से पहले एक छोटे से बाउल में नमक पानी का घोल तैयार कर लेंगे। अब तवे को गर्म करेंगे। जब तक तवा गर्म होता है, तब तक हम रोटी बेलेंगे। रोटी थोड़ी सामान्य से मोटी बनाइए। रोटी के ऊपर ब्रश से नमक पानी का घोल लगाएंगे। अब गरम तवे पर नमक पानी का घोल छिटकेंगे। घोल के सूख जाने के बाद अब गरम तवे पर रोटी को डालें, पर इसका ध्यान रखेंगे कि रोटी पर नमक पानी का घोल लगे हुए परत को ही तवे पर रखेंगे, जिससे रोटी तवे से चिपक जाए। अब दूसरी रोटी बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए, रोटी के ऊपर बबल्स आने लगे, इसका मतलब है रोटी नीचे से पकने लगे हैं। अब तवा को पलटकर रोटी की ऊपरी परत को अच्छी तरह से सेकेंगे। देखिए कितनी अच्छी से रोटियां सिक रही हैं। देखिए रोटियां सिक गई है ना, आसानी से रोटी बन रही है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अब दूसरी रोटी भी इसी तरह बनाएंगे। इसी तरह आप सारी रोटियां बना लीजिए और घर में ही लीजिए रेस्टोरेंट का मजा। देखिए मैं बहुत अच्छे से फिर सेक रही हूँ। मैं इसे बहुत अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से बना पाए। ऊपर नीचे बहुत अच्छे से सिक गई है। इसी तरह सारी रोटियां आप बनाती हैं। देखिए कितनी सुंदर रोटियां लग रही हैं। इसे आप किसी भी सब्जी दाल किसी के साथ भी खाकर एंजॉय कर सकते हैं। देखिए सारी रोटी मैंने तैयार कर ली है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो। थैंक यू।